स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत दोस्तों, आप यदि टीवी, मोबाइल, फ्रिज या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान 50% तक सस्ता खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी खबर बताने वाले हैं। जी हां साथ ही दोस्तों, LSE से सैनिकों की जल्द वापसी को चीन पर दबाव बनाएगा भारत। आज होगी कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आज GST परिषद को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन होने वाला है। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं कोरोना वायरस को लेकर बढ़ते प्रकोप और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, रेलवे का बड़ा कदम, सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन में लगेंगे AC कोच, मेल और एक्सप्रेस से हटेंगे स्लीपर। जी हाँ, साथ ही दोस्तों, देश भर के लिए लागू होगा 100 रुपए का सिक्का, तो वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ये तेल कंपनियां बनाने वाली है 50,000 घर। साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है, तो वहीं हाथरस केस से जुड़ी भी एक नई खबर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 50% तक सस्ता खरीदना चाहते हैं टीवी, फ्रिज, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान तो आपके पास है यह सुनहरा मौका। जी दोस्तों, अगर आप भी कम कीमत पर टीवी, फ्रिज या अन्य कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। दरअसल अमेजन इंडिया की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट ने अपने बिग बिलियन डेज की शुरुआत के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस दौरान आप टीवी, फ्रिज सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर हजारों रुपए बचा सकते हैं। दरअसल अमेजन के अनुसार, जो यूजर HDFC बैंक डेबिट कार्ड और फिर क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करेंगे उन्हें अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। इस दौरान अमेजन 6.5 लाख से अधिक सेलर्स के प्रोडक्ट पेश करेगा और ग्राहकों को 4 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट्स खरीदने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। LSE से सैनिकों की जल्द वापसी को चीन पर दबाव बनाएगा भारत। आज होगी कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता। जी दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की 7वें दौर की बातचीत सोमवार को होनी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत इसमें पूरी लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों को जल्द और पूरी तरह से हटाने के लिए चीन पर दबाव बनाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत पूरी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSE पर भारतीय क्षेत्र चुसूल में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वार्ता का एजेंडा पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। इस बातचीत की रणनीति तैयार करने के लिए शुक्रवार को यहां चाइना स्टडी ग्रुप CSG की बैठक हुई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 71.19 लाख के पार, 1,09,000 से ज्यादा की मौत। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 71,19,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 61,46,000 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से बहुत ज्यादा अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,62,000 है, तो वहीं महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 15,28,000 के पार कर गया है। वहीं पूरे महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,28,000 से ज्यादा है। इस समय यहां पर सक्रिय मामलों की संख्या 2,21,000 है, तो वहीं 12,66,000 लोग वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। यहां अब तक 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज से 12 पीटू के साथ कामकाज करेगा सुप्रीम कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। जेंदुतु सुप्रीम कोर्ट COVID-19 महामारी से पूर्व ही अपनी क्षमता के साथ सोमवार से काम शुरू करेगा। करीब 30 न्यायाधीशों के साथ शीर्ष न्यायालय की 12 पीठ रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए बैठेगी। मार्च में COVID-19 महामारी शुरू होने के बाद से विभिन्न संयोजन से 2 से 3 न्यायाधीशों की 5 पीठ कार्य दिवस पर रोजाना करीब 20 मामलों की सुनवाई के लिए बैठी रही थी। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक 2 से 3 न्यायाधीशों की 10 पीठ और एकल न्यायाधीशों की 2 पीठ मामले की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर से प्रतिदिन बैठेगी। शीर्ष न्यायालय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के 2 दिन पहले 23 मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई कर रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मुआवजे पर नहीं बनी सहमति, GST परिषद की आज फिर से होगी बैठक। जी दोस्तों, वस्तु और सेवा कर यानी GST परिषद की सोमवार 12 अक्टूबर को बैठक में तीसरी बार क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा करेगी।
इस बैठक में मुआवजे को लेकर आम सहमति बनाने के लिए एक मंत्री स्तरीय समिति गठित करने की गैर बीजेपी शासित राज्यों के सुझाव पर गौर किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा जीएसटी परिषद की लगातार तीसरी बार जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति को लेकर चर्चा करने वाली है। दरअसल कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने इस मामले में आम सहमति के लिए मंत्री स्तरीय समिति के गठन का सुझाव दिया था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आ गई किराए के आवास वाली नई स्कीम, प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाएगी ये तेल कंपनियां। जैन दोस्तों, कोरोना संकट के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में पहुंचे प्रवासी मजदूर वापस अपने शहर को लौट गए हैं। इसके बाद प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं को लेकर मंथन शुरू हुआ है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 मकान बनाने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड यानी BPCL, गेल इंडिया लिमिटेड और ONGC को अपनी जमीनों पर प्रवासी श्रमिकों के लिए मकान बनाने को कहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अगले 4 दिनों तक भारत के इन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी दोस्तों, मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि ओडिशा में अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसके पीछे का कारण बंगाल की खाड़ी में ताजा हवा दबाव का पैदा होना है। अगस्त की शुरुआत के बाद से बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव प्रणाली का यह 9वां उदाहरण है और 14 अक्टूबर के आसपास इलाके एक और आकार लेने की संभावना है। शुक्रवार को जिस क्षेत्र में दबाव बना शुरू हुआ था वो शनिवार को और तेज हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके रविवार तक बंगाल की केंद्रीय खाड़ी में एक अवसाद पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 24 घंटे में ये तेज हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 100 रुपए का सिक्का जारी करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज होगा अनावरण। जैन दोस्तों, केंद्र सरकार ने नया फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर यानी आज राजमाता विजयराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपए के सिक्के का अनावरण करेंगी। सरकार राजमाता विजयराजे सिंधिया के सम्मान के रूप में उनके जन्म शताब्दी अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का 12 अक्टूबर को जारी करेगी। बता दें, सिंधिया राजघराना देश का पहला ऐसा राज परिवार है जिसके किसी सदस्य के सम्मान में केंद्र सरकार स्मारक सिक्का जारी करने जा रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे का बड़ा कदम, सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन में लगेंगे एसी कोच और मेल और एक्सप्रेस से हटेंगे स्लीपर। जैन दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद रेल यात्रा का अंदाज पूरी तरह बदल गया है। रेलवे जानती है इस समय नए प्रयोग करने बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ समय से रेलवे डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूले पर काम कर रही है। इसी दिशा में रेलवे एक और बड़ा कदम उठाते हुए यह तय किया है कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से स्लीपर कोच पूरी तरह से खत्म कर दी जाएंगी, यानी इन ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगियां रहेगी। आने वाले दिनों में स्लीपर कोच केवल पैसेंजर और धीमी गति की ट्रेनों में ही नजर आएंगी। हालांकि अभी ये सभी ट्रेनों में एक साथ नहीं किया जाएगा। इस समय अधिकतर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोरोना महामारी के बाद रेल यात्रा का अंदाज पूरी तरह बदल गया है। रेलवे के मुताबिक स्लीपर कोच के स्थान पर एसी कोच लगाने का रेलवे का यह प्लान स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। इसके तहत देश में चल रही करीब 1900 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की गति सन 2023 तक बढ़ाकर लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। इसके बाद सन 2025 तक इन ट्रेनों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। BCCI ने की महिला IPL टीम की घोषणा, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और स्मृति मंदाना को मिली कमान। जैन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिलाओं की T20 लीग के मुकाबले के लिए तीनों टीमों का ऐलान कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के तहत खेले जाने वाले मुकाबले के लिए सुपरनोवा, टेल ब्रेजर्स और वेलोसिटी की टीमों में टक्कर रहेगी। तीनों भारतीय धुरंधर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना के हाथों में टीम की कप्तानी का जिम्मा दिया गया है। 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच UAE में खेले जा रही IPL के 13वें एडिशन में इन तीनों टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगी। वुमेन्स T20 चैलेंज के तहत तीनों कप्तान एक दूसरे से जीत के लिए दो दो हाथ करते नजर आने वाले हैं। इस लीग में भारत के अलावा इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम की बेहतरीन महिला खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। हाथरस के CBI ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की धाराओं में दर्ज किया केस, गांव पहुंचेगी टीम। जी दोस्तों, हाथरस मामले को टेक ओवर करने वाली CBI ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चंदप्पा थाने में दर्ज FIR को CBI की गाजियाबाद ब्रांच ने अपने यहां दर्ज कर लिया।
बता दें यूपी की योगी सरकार की केंद्र से सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शनिवार को हाथरस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। अधिसूचना जारी कर बताया कि जांच एजेंसी की एक उपयुक्त ब्रांच भी बनाई गई है। अभी तक इस मामले की जांच यूपी पुलिस की एसआईटी कर रही थी, जिसने जांच के लिए अभी 10 दिन का और वक्त मांगा था। बताया गया है कि गैंगरेप की जांच के अलावा यूपी सरकार ने इस मामले में जाति दंगे, हिंसा भड़काने और मीडिया व राजनीति के कुछ धड़े की ओर से दुष्प्रचार की आपराधिक साजिश की जांच की भी मांग की है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।